बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इसे कबल आप मसीहा की 93:1-7 सुन चुके हैं। आपके इस 94 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे हस्ब रवायत इल्तमास है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोज़ मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि कमेंट्स बॉक्स में अपने होने का एहसास दिलाया करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। उसके फरिश्तों के भी ख्याल गुमान में नहीं होगा कि मैंने रात का खाना और नाश्ता बचा रखा होगा, और ये भी कि मुझे इस खतरे और भयानक साजिश का भी पहले ही से इदराक हो चुका था। अगले चंद घंटे फैसला कुन साबित हुए और देसी इस्तलाहत में अफीसर रेहान की पेटी उतरवा कर उसे गोया लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके खिलाफ उसी के मुआवन अफीसर और मेरे हमदर्द मसाउद ने इंक्वायरी कर डाली थी। किस्सा मुख्तसर के मैं लॉकअप से बाहर और जबरदस्ती थोपे हुए इस केस से बरी करार दिया जा चुका था। मैंने आयजक बेल और बिलखसूस मसाउद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जिसने मुझे ऐसी गंभीर और खतरनाक सूरत हालात से निकाला था, क्योंकि असल दयानतदाराना कोशिश मसाउद ही की थी। मजीद तहकीकत से यह भी इल्म में आया कि सर्जन अमर नाग और डॉक्टर रमेश अग्रवाल को भी यही शख्स बैक सपोर्ट कर रहा था और इसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर मुझे निशाना बनाया था। इसके खिलाफ मजीद तहकीकात का वादा मुझसे न सिर्फ आयजक पेल ने भी किया था बल्कि मसाउद ने तो मेरे सामने कसम खा ली थी कि वह आबिद करीम के आमिरुल करीम को नहीं छोड़ेगा और एक दिन उसे कानून के शिकंजे में जरूर जकड़ कर रहेगा। मुझे उसकी तसल्ली हो गई थी। मैं पाकिस्तान लौटना चाहता था कि इससे पहले फिर किसी दुश्मन की साजिश का निशाना बन जाऊं। यूं मेरे दोनों बही ख्वाब सरान ने मेरी बाहिफाजत पाकिस्तान रवानगी का भी बंदोबस्त कर दिया था। अगले दिन रात 10 बजे की फ्लाइट थी मेरी। यह परवाज दरअसल इटली जा रही थी। आयजक बेल तो नहीं, अलबत्ता मसाउद मुझे सियाव करने एयरपोर्ट तक आया था। मैंने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने मुझे गले भी लगाया। फिर मैं उसे खुदा हाफिज कहकर अपना सामान संभाले डिपार्चर लाउंज में आ गया। यहां पहुंचा तो अजीब किस्म की गहमा गहमी देखने में आई। पता चला कि एक भारतीय फिल्म यूनिट अपने फिल्म की शूटिंग के लिए इटली जा रहा था और इनमें मशहूर भारतीय अदाकार और अदाकाराएं भी शामिल थी। लोग इनके साथ खुलने मिलने बातें करने के अलावा सेल्फियां बनाने में महफ थे। इनमें मुझे स्मार्ट और हैंडसम अदाकार भी दिखाई दिए और कुछ अपनी सूरत ही से विलन महसूस हुए, जबकि अदाकाराओं में 3-4 औरतें भी थी। इनमें अपने नक्शो नगार से एक मुझे हेरोइन के ओहदे पर फाइज लगी, जबकि 1-2 साइड हेरोइन महसूस हुई। 2 एक अधेड़ उम्र थी जो मुझे वैम्पायर लग रही थी। हेरोइन टाइप की शौख शंग लड़की मुझे काफी खूबसूरत और हसीन नजर आ रही थी। उसकी उम्र बामुश्किल 19-20 के दरमियान होगी। इसके लाइट ब्राउन बाल शानों तक थे। रंगत साफ और जिल्द मुलायम थी। वो सुबह अंदाम और चंचल सी थी। फिल्म डायरेक्टर का भी मालूम हुआ वो खासा मोटा और मजहक का खेज आदमी था, मगर इस वक्त नटखट नौजवान बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। किसी मजाहिया फिल्म के हदायतकार को ऐसा ही होना चाहिए था। उसकी वहां हरकतें भी कुछ ऐसी ही थीं, यानी बार बार वो अपने दोनों हाथ का फर्जी कैमरा बनाकर किसी लड़की का एंगल लेने लगता और कहका बुलंद करता। मुझे फिल्म पीने से कभी शगफ नहीं रहा। अलबत्ता एक चैनल से पुरानी वेस्टर्न क्लासिक फिल्में देख लिया करता था जिनमें काउबॉय और रेड इंडियन होते थे। चंद मशहूर इंडियन फिल्में भी देख रखी थी। इसी तरह कुछ मारूफ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस से भी जानकारी थी, लेकिन इस फिल्मी यूनिट में मुझे कोई जाना पहचाना अदाकार नजर नहीं आया। भला नजर भी कैसे आता, एक अरसा हुआ था भारतीय फिल्में देखे हुए। अलबत्ता जो शायकीन थे वो इन नए फनकारों को पहचान रहे थे और उनके साथ मिलकर खुश हो रहे थे। मुझे इन खराफात और मस्तियों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से जाकर एक सीट पर जा बैठा और अगली अनाउंसमेंट का बेचैनी से इंतजार करने लगा। मेरी तरह और भी कुछ लोग थे जो उनसे लाताल्लुक बैठे थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि शटल बस में सवार होने की अनाउंसमेंट होने लगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और हैंडी थाम ली। एयरपोर्ट की तरफ मुसाफिरों को लेकर जाती हुई शटल बस में भी इन पागल दीवाने लोगों का यही हाल रहा। वहां भी हड़भोंग मची रही, मैंने पागल ही कहूंगा। पर्दा स्क्रीन पर देखकर ये शायकीन अपने पसंदीदा फनकारों को देखकर क्या कम पागल होते होंगे, जो अभी पूरी तरह दीवाना होने का यहाँ मौका मिल रहा था। मैं मुस्कुरा भी देता और कभी बेजारी से सर झटक देता। प्यारे में बोर्डिंग हो रही थी। मैं भी अपना बोर्डिंग कार्ड दिखा कर दीकर मुसाफिरों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मेरे साथ वाली सीट खाली थी। इसी वक्त मेरे कानों से एक खरखराती आवाज टकराई, एक्सक्यूज मी,
अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं खिड़की की तरफ वाली सीट पर बैठ जाऊं। मैंने देखा वही मोटा मजाहिया सा अधेड़ उम्र आदमी था। मुझे उसका अंदाज बच्चों वाला लगा, जबकि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी खुशी अखलाकी को लौटाते हुए जवाब में बोला, अभी आप फिलहाल अपनी ही सीट पर तशरीफ रखें, इस बारे में गौर कर लेंगे। बहुत खूब, वो ये कहते हुए अपनी ही सीट पर विराजमान हो गया। वैसे इंसान को इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो मुझसे मुखातिब होकर बोला। इसके फूले फूले गालों वाले चेहरे पर झीपी हुई मुस्कुराहट थी, यूं उसकी यावा गोई जारी रही। अब देखिए ना, भला हमारी अलग सलग कितनी देर की है, बल्कि है ही नहीं। और मैंने आपसे झट मुतालबा कर दिया, पहले हाय हेलो की जाती है, नाम पूछे जाते हैं, फिर अजराहे इखलाक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर, मैंने इस्तफसाराना अंदाज में दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा तो उसने फौरन मुसाफे के लिए अपना मोटा सा हाथ आगे बढ़ा दिया और बोला, मुझे हदायतकार अजय वर्मा कहते हैं और यकीनन आपको भी कुछ कहते ही होंगे। जरूर, मुझे सैफ कहते हैं, मैंने भी हाथ बढ़ा दिया। इसका ख्याल था उसके नाम के साथ हदायतकार का लाहक का मुझे मरूब कर देगा। गुड, सैफ अगर अंग्रेजी में मानी करें तो महफूज और हिंदी में करें तो तलवार बनता है। ये ग्रां कदर मालूमात मुहिम पहुंचाने का बहुत धन्यवाद। मुझे भी न जाने क्या सूझी कि मैंने खालिस्तन हिंदी का ही एक आम फैम लब उसकी जानिब जवाब में उछाल दिया। अच्छा लगा ये जवाब, उसने कहा, मैं टेलीविजन पर मजाहिया सीरियल्स और सीरीज बनाता हूँ। भारत और इसकी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा बड़ा नाम है। अब एक फिल्म बना रहा हूँ, इसी सिलसिले में अपनी फुली यूनिट और कुछ सुंदर सी अदाकाराओं के साथ इटली जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, मैंने कहा। इटली वालों को भी आकर हंसने का हक है। मैंने इखलाक के पर्दे पर अपने अंदर का गुबार निकाला, क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल तनहाई के मूड में था, जो उसने गारत कर दिया था। हैरत भी थी मुझे कि हदायतकार टाइप लोग तो किसी को घास तक नहीं डालते, और या फिर शायद मजाहिया फिल्मों और ड्रामों के हदायतकार ऐसे ही होते हों। इनकी समझ में क्या खाक आएगी फिल्म, इसने शायद मेरा तंज समझे बगैर ही मुंह बनाकर कहा। अलबत्त हमारे हाई फाई म्यूजिक, सुंदर अदाकाराओं के डांस और इनकी हरकतें, ओट पटांग न चाहते हुए भी मेरे मुंह से लुकमा निकला। खैर ऐसी भी बात नहीं, उर्दू हिंदी समझने और बोलने वाले हर जगह ही हैं। इस बार उसने बुरा मना लिया था, लेकिन फिर शायद उसे यह याद आते ही कि उसने मुझसे सीट बदलने की गुजारिश की थी, फौरन ही एक कहका लगाते हुए बोला, अब मजाक अच्छा कर लेते हैं, मेरा ख्याल है अब आप मेरी दरख्वास्त पर तवज्जो देंगे। कौन सी? आपकी फिल्म में काम करने की, मैंने हैरत से पूछा। मेरा अपनी फिल्म डुबोने का फिलहाल कोई इरादा नहीं, उसने हुले से कहा। जी, मैंने उसे घूरा, मैं मेरा मतलब है कि खिड़की वाली सीट मेरी कमजोरी है, मैं दरअसल ऑक्सीजन की कमी का शिकार रहता हूँ। अरे, मेरे मुंह से हैरत बरामद हुई। माफ कीजिएगा हदायतकार साहब, ये किसी ट्रेन या मोटर कार की खिड़की नहीं है, त्यारे की बंद खिड़की है। बाहर के मनाजर देख कर भी मैं ऑक्सीजन जज्ब कर लेता हूँ, जिस तरह कोई समुद्री मखलूक पानी के अंदर ऑक्सीजन जज्ब करती है, मैंने हंसी जब्त करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। यही समझ लें, उसने सर थुना, तो फिर तशरीफ ले आइए, जुगतबाजी की मुआफी चाहता हूँ, मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दिया। सीट बदलने के बाद भी उसका बातें करने का इरादा मुलतवी होता नजर नहीं आ रहा था। अगर इस वक्त सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट ना होती, मुकर्र वक्त पर त्यारे ने टेक ऑफ किया और मैं अपनी सीट पर बैठा आंखें मूंदे नींद से ज्यादा सोचों में खो गया। मुझे अभी तक डॉक्टर रमेश अग्रवाल के ताकुब में और उससे अपने भाई आदिल का बदला ना लेने का बेहद अफसोस था। इस कदर के ख्वाहिया मलून रमेश अगर तारिक और रोमी के हाथों जहन्नुम वासिल हो भी जाता तो भी मेरे अंदर एक फांस एक कसक रह जाती कि मैंने अपने हाथों से उस मरदूत को ठिकाने क्यों नहीं लगाया। बेशक अब तक मैंने अमरनाथ को इबरत की तस्वीर बना के मौत के घाट उतार दिया था, भाई ने इसी तरह मैं गौहर शाह ताज से लेकर रमेश अग्रवाल को भी इसी भयानक अंजाम से दो चार करने की शदीद ख्वाहिश रखता था। अचानक एक मुतरन्नम सी आवाज मेरी समातों से टकराई, आंखें खोली तो एक हसीन एयर होस्टेस का मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। इसके हाथ में ट्रे थी, मेरे साथ बैठा अजय वर्मा ऊंग रहा था। मैंने जवाबी मुस्कुराहट के साथ कोई भी ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। वो चली गई, मैंने फिर आंखें मूंद ली। अचानक त्यारे के ठहरे ठहरे और पुरसकून से माहौल में एक क्रख्त आवाज गूंजी, जिसने मुझे सोचों की भंवर से उबरने और आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। अटेंशन, कोई भी अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा, त्यारे को हाईजैक कर लिया गया है। इस आवाज और जुमलों ने मुझे ही नहीं और भी कई ऊँगते हुए मुसाफिरों को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। चंदिक दबी दबी कराह से मुशाबा चीखें भी बरामद हुई थी। मेरा दिल जैसे यकलख्त रुक रुक कर धड़कने लगा। वो पांच मुसल्ला अफराद थे, चेहरों पर स्याह नकाब थे,
मुझे वो गैर मुल्की महसूस हुए। इनके हाथों में जदीद और खतरनाक गन्स थी। मैं साकित बैठा इन्हें घूरता रहा। मेरे साथ बैठा वो मजहूल सा हदायतकार शायद ऊँगता हुआ गहरी नींद की वादियों में लुढ़क गया था। आंखें और कान खोलकर हमारी बात तो गौर से सुनो। इनमें से एक ने जो मुकाबलतन इनमें ज्यादा लहीम शहीम दिखाई देता था भड़क मारने के अंदाज में दोबारा मुखातिब हुआ। जिस कदर उसका जुस्सा था उसके बरअक्स उसकी आवाज बारीक थी जिसे भारी और रौबदार बनाने की वो नाकाम कोशिश कर रहा था। अपने साथ की सीटों पर महवे ख्वाब साथियों को जगा दो फौरन ताकि वो बाद में हड़बड़ाहट में सारा खेल ना बिगाड़ते हमारा। सबसे पहले उसकी हदायत पर मैंने अमल किया और कौनी का टहका मारकर अजय वर्मा को जगा दिया। उठिए जनाब हदायतकार साहब, अब जरा रियल एक्शन फिल्मों की शूटिंग भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। अजय वर्मा हड़बड़ाकर जाग गया और फिर सामने मुसल्ला हाईजैकरों को देखते ही उसकी घिघी बन गई। दबे दबे गुस्से से मुझे मुखातिब करते हुए बोला, राम राम तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है, ये कोई एक्शन फिल्म है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इसी वक्त वही हाईजैकर आगे बोल रहा था। किसी ने भी कोई चालाकी करने या अपनी सीट छोड़ने की जरा भी कोशिश की तो इसकी दुनिया छुड़ा दूंगा ब्रस्ट मार के। हमारे पास हैंड ग्रेनेड भी हैं, हमने सर से कफन बांध रखा है, हमारे दो मुसल्ला साथी काकपिट पर काबिज हो चुके हैं। उम्मीद है आप सब हमसे तआवुन करेंगे। शुक्रिया, वो तो करना ही पड़ेगा, अजय वर्मा ने होले से गोया चलकर कहा। हाईजैकर्स के एक साथी ने शायद उसके बुड़बड़ाहट सुन ली और वहीं से उसने अपनी गन की नाल का रुख उसकी जानिब करते हुए दहाड़ मारी। तुमने कुछ कहा? क्या बकवास की थी अभी? कुछ नहीं जी, ठीक है, ठीक कहा था मैंने, अजय वर्मा खौफ भरी लुकनत सदा आवाज में बोला। मुसाफरों के चेहरे पर खौफ और दहशत तारी थी, कुछ कमजोर दिल मुसाफरों पर गशी भी तारी होने लगी थी जिन्हें हाईजैकरों के हुक्म से एयर होस्टेस संभालने में मसरूफ हो गई। डरे सहमे मुसाफरों में किसी में भी हाईजैकर से ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूछते आखिर अब वो हम समेत कहाँ का कसद रखते हैं। हाईजैकर्स वाकी टाकी टाइप जैसे आले पर अपने दो साथियों से भी राबते में थे जिन्होंने बकौल इनके अंदर काकपिट में पायलटों को भी यकीनन गन पॉइंट पर ले रखा था। कुछ मालूम नहीं था कि त्यारे को कब से इसके मुकर्रा रास्ते से हटाकर अपने मतलूबा रास्ते पर लगा दिया गया है, युवा वो किस मुल्क की फिजाई पट्टी से गुजर रहा था इसके बारे में भी अभी तक नहीं बताया गया था। क्या अब हमारी मंजिल इटली नहीं होगी? किसी बेसब्रे मुसाफिर ने सवाल करने की जुर्रत कर डाली। फिलहाल नहीं, लीडर ने जवाब दिया। तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम? एक और बेसब्रे ने पूछा। इंडिया के रास्ते श्रीलंका या नेपाल? उसने जवाब दिया, तमिलनाडु। मेरे अंदर उपरा क्योंकि जहाज में ज्यादातर इंडियन और श्रीलंकन ही सवार थे। कुछ देर गुजरी थी कि अचानक काकपिट से धमाके की आवाज सुनाई दी और उसके बाद त्यारे को एक जबरदस्त झटका लगा। यक बयक कई हरासा चीखें त्यारे के महदूद माहौल में गूंज उठी। एक ही झटके से त्यारे के मुसाफरों में बुरी तरह भगदड़ मच गई थी। जिस तरह किसी मामूली बीमारी के झटके से इंसान खौफजदा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह हवाई जहाज के एक झटके ने तमाम मुसाफरों के चेहरों पर मौत की जर्दी तारी कर दी थी। बल्कि अगर देखा जाए तो इंसान शुरू में किसी बीमारी को खातिर ही में नहीं लाता, मगर हवाई जहाज में सफर करना और दुराने परवाज किसी मामूली सी भी खराबी के बायस इंसान के दिलो दिमाग के साथ पूर्ण खौफ छट जाता है। इसलिए कि उसकी जिंदगी हवा में मुअल्लिक होती है। आग और पानी के बाद हवाई हादसे की मौत भी बड़ी दर्दनाक और अजियतनाक होती है। मौत से पहले मौत का जायका महसूस होने लगता है। यूं त्यारे को लगने वाला यह झटका मामूली नौइयत का हरगिज नहीं था। फिर अभी हम संभलने भी नहीं पाए थे कि जहाज बुरी तरह डोलने लगा। मुसाफिर मारे दहशत के अब रोने चिल्लाने लगे थे, बल्कि कई लोगों ने बाआवाज बुलंद अपने अपने मजहब के मुताबिक जोर जोर से दुआया कलमात भी अदा करना शुरू कर दिए। जो मुसलमान मुसाफिर थे वो कलमाए तैयबा का विर्द करने लगे। जहाज का अमला किधर था, क्या कर रहा था, कुछ पता नहीं था। सबको अपनी अपनी पड़ गई थी, हत्ता कि इन्हें अब खतरनाक मुसल्ला हाईजैकर्स की मौजूदगी की भी परवाह नहीं रही थी। होती भी भला कैसे कि मौत इनके सामने रख से अजल करने लगी थी। मैंने देखा हाईजैकर्स भी सूरत हाल पर परेशान और बौखलाए हुए दिखाई देने लगे। मुमकिन था कि इन्हीं का शाखसाना हो, वो भी इधर उधर टोलने लगे थे। इन पर काबू पाने का मौका भी अच्छा था, मगर किस में हिम्मत होती। मुझे यही लगा कि मुबैना तौर पर अंदर काकपिट में मौजूद इनके दो साथी हाईजैकर्स ने पायलट के साथ कुछ किया है और वहीं इनसे कोई खतरनाक गलती हो गई है जिसका खुमियाजा अब हम सबको त्यारे की अफसोसनाक और खौफनाक तबाही की सूरत में भुगतना पड़ेगा। अजय वर्मा ने राम राम की गर्दान शुरू कर दी थी और खौफ से उसकी हालत पतली होने लगी थी। उधर अचानक काकपिट से हाईजैकर्स का एक साथी गन थामे हवास भागता निकला और अपने लीडर से कुछ कहा। इसका लुबे लुबाब यही था कि पहले सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक दरमियान में
को पायलट ने होशियारी दिखाने की कोशिश की थी कि गड़बड़ हो गई। इसके दूसरे हाईजैकर के साथी ने बौखलाकर उस को पायलट पर ब्रस्ट चला दिया, जिसके नतीजे में त्यारे के स्क्रीन और कंट्रोल पैनल बुरी तरह मुतासर हुआ। तुम लोगों ने हमें मुसीबत में डाल दिया, बताओ अब क्या करें, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर एक हौसले और पुरजोश मिजाज मुसाफिर से रहा नहीं गया और अपनी सीट से उठकर इन पर चढ़ दौड़ा, लेकिन जहाज डोलने के सबब खुद को संभाल नहीं पाया और रास्ते ही में गिर पड़ा। बाकी की कसर एक हाईजैकर ने उसे गोली मारकर पूरी कर दी। त्यारे में बयक वक्त कई खौफजदा चीखें उभरी। राम 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 अजय वर्मा का विरद जारी था और उसने अपनी दोनों टांगें ऊपर उठाकर सीट पर रख ली थी, बल्कि उसने एक हाथ से मुझे भी दबोच लिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और उसे हौसला रखने की तलकीन भी कर डाली। मैं खुद सख्त तशवीश सदा था, यह दोहरी मुसीबत थी। खतरनाक हाई जैकर्स मौत के फरिश्तों की तरह सर पर नाजिल थे और इस पर मुस्तजाद त्यारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। एमरजेंसी गुब्बारे नुमा तकिए और ऑक्सीजन मास्क खुल चुके थे। कोई इस त्यारे को कंट्रोल भी कर रहा है या हम पैराशूट के जरिए छलांग लगाते। हाई जैकर्स के लीडर ने अपने साथी से पूछा, फर्स्ट पायलट भी जख्मी है लेकिन वो अपनी सी कोशिश कर रहा है क्रैश लैंडिंग की। इसके साथी ने जवाब में कहा, हम सबको भी अब सीटों पर बेल्ट बांध के बैठ जाना चाहिए। क्रैश लैंडिंग? अजय वर्मा ये सुनकर मजीद हवास भागता हो गया। हाय भगवान, ऐसे सीन तो मैं अपनी फिल्मों में करवाया करता था, क्या पता सच सच में भी मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। जहाज में चंद सीटें खाली थीं, जबकि हाईजैकर्स की तादाद ज्यादा थी। इनका लीडर और चंद एक साथी तो प्राजमान हो गए, बाकी दो तीन बच गए। दो ने मुझे और अजय वर्मा को गिरिबान से पकड़कर सीटों से उठाकर धक्के दे दिए। मैं और अजय वर्मा दोनों ही शराबियों की तरह डोलते जहाज की कमराही में गिरते पड़ते दूसरे बैठे हुए मुसाफरों की गोदों में जा गिरे। मैं तो एक नाजुक अंदाम हसीना पर जा गिरा, जबकि अजय वर्मा ने एक मोटी सी अतालवी खातून की गोद संभाल ली, जिसका खुमियाजा उसे बेशक एक चीख के साथ करारे दार थप्पड़ की सूरत में भुगतना पड़ा था। मगर वो इसी ही में खुश था कि जगह तो मुयसर आ गई, काकेसी खातून अफलातून की गोद ही सही। मुझे इस हसीना ने खुद पर से उठाने के लिए मुतरन्नम सी कराह के साथ जो जस्तजू की थी वो नाकाफी थी, तहा मुझे खुद ही खज्जल सा होकर उठना पड़ा। मैं इसकी सीट की पुश्तगाह संभाल कर बमुश्किल खड़ा होने की नाकाम कोशिश करने लगा। चटाख चटाख राम राम, चटाख पटाख राम राम, थपड़ों की बारिश में अजय वर्मा का विर्द जुबा पर जारी हो सारी था कि औरत ने उसकी डटाई को देखते हुए जोरे जुबा रोका और जोरे बाजू से काम लिया। यूं अगला मंजर भी अजय वर्मा के हवाले से खासा काबिल रहम साबित हुआ, क्योंकि अगले लम्हे मैंने उसे हवा के दोष पर उठते हुए एक और मुसाफिर पर नाजिल होते देखा। उधर मुझे जाने क्या सूझी कमीरता पड़ता काकपिट के करीब जा पहुंचा और किसी तरह अंदर दाखिल हो गया। एक नौजवान सा पायलट जिसके सीने से खून उबला पड़ रहा था अपनी सीट पर लुढ़का पड़ा था, जबकि एक दूसरा पुख्ता उम्र पायलट जो अभी जिंदा था मगर जख्मी नजर आता था, जहाज के बचे खुचे कंट्रोल पैनल से नाबुर्द आजमा था। इसकी पेशानी से खून की लकीर भी बह रही थी, अंदर धुआं था और इलेक्ट्रिक वायर्स के जलने की मखसूस बू फैली हुई थी।